हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट डे, जैसे कि आपने देखा लास्ट व्लॉग के अंदर, हम लोग भैरव बाबा रोप वे के से जाने वाले थे, बट हम जा ही नहीं पाए, कुछ गड़बड़ हो गई थी। एंड तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने नहीं देखा होगा लास्ट वाला व्लॉग, तो आप उसको देख सकते हैं। पार्ट 1, 2, 3 जितने भी पार्ट्स हैं उनका लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा कि रोपवे से जाना था, बट अब हम पैदल जा रहे हैं, तो जिन लोगों ने देख लिया उन्हें तो पता ही है क्यों जा रहे हैं पैदल। तो हम यहाँ से भैरव बाबा के लिए निकल चुके हैं, एंड एक रात ही हमने स्टे किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं माता वैष्णो देवी, तो आपको खाने पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि वहाँ पे आपके मनपसंद रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं आपको, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो जब हम भैरव बाबा पर जाते हैं तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं आपको, होटल्स मिल जाते हैं रुकने के लिए, एंड श्राइन बोर्ड का से भी आप खाना खा सकते हैं, उनके भी जो है भोजनालय अवेलेबल हैं वहाँ पर काफ़ी सारे। तो आपकी इच्छा है, आप जैसा खाना चाहें वैसा खा सकती हैं। तो अभी सुबह के 7:30 हो रहे हैं, हम लोग भैरव बाबा के लिए निकल चुके हैं। समथिंग अराउंड हमें आई थिंक 1 घंटा लगा था शायद, तो यहाँ पे लिखा है भैरव बाबा आई थिंक 3 किलोमीटर समथिंग है शायद। तो हमने यहाँ से अब हम पैदल जाएंगे भैरव बाबा की तरफ, तो बनी रहिएगा हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, सेकंड चैनल का भी लिंक नीचे मेंशन कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चित्र नक्षत्र सूर्य तदनुसार 3 फरवरी सन 2021 अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ कितना हूँ, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं और जवान भी ठंड से। अरे यार कितनी सीधी है यार ये खड़ाई चढ़ाई। नहीं भैया ऐसे चले जाएंगे यार मैं तो। तो भैरव बाबा की जो चढ़ाई है वो पूरी खड़ी है, और अगर आप रोपवे से आते हो तो यहाँ से आप सिर्फ 3 किलोमीटर आप सिर्फ 3 मिनट के अंदर कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी आएगी रोपवे, आप देख सकते हो ट्रॉली आ रही है। एक साथ कम से कम 40 लोग जाते हैं, मैक्सिमम 40 लोग एक साथ जा सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। 100 रुपये की टिकट लगती है, आना जाना होता है, 2 घंटे का टाइम होता है आपके पास, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है मेरे ख्याल से। तो वैसे भी 2 घंटे ऊपर कोई रुकता नहीं है, 1 घंटे में ही लोग नीचे आ जाते हैं। तो मतलब ये चल रही थी उसके बावजूद भी हम लोग जा नहीं पा रहे थे, ये इस चीज़ का बड़ा ही हमें अफसोस था। तो हम लोग पैदल ही जा रहे थे, हमें रास्ते में कुछ लोग मिल गए थे, उनके साथ हमारा टाइम स्पेंड भी हो गया था। बारिश शुरू हो गई, दी भीग रही हो तुम? मैं तो नहीं भीगूंगा भाई, क्योंकि मेरा तो पहना ही है तेरी जैकेट ऐसी है मेरे कपड़े के कंबल के, और तुम पर चला भी नहीं जा रहा है, तो दिखाना जरूरी है लोगों को, चला नहीं जाता तो आते क्यों लोग। चले शक्ल देखने लायक है, पता तुम्हारी कहाँ गई, क्या निकाल लियो ठीक। जल्दी आ, बारिश हो रही है यार, मोबाइल में गीला होने लग रहा है, सांस फूल रही यार दी मेरी।
सबसे ज्यादा वीडियो में मजा से लोगों को इसी में आने वाला है कि तुम चल नहीं पाती ज्यादा। शुक्र बना बोझा मैंने उठा रखा है। मेरी जैकेट गीली हो रही यार थी, अब धीरे धीरे ज्यादा हो रही है ना, जल्दी चलो। अच्छा जी गीला हो रहा जी। चलो अब जी जल्दी गील हो रहे हैं, देख रहे तुम्हारे बाल कितने गीले हुए, ये देखो जल्दी चलो। फोटो ले लेते हैं। सो फाइनली हम लोग 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, जैसा कि आपने देखा बहुत ही ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, उसको कवर करके आ गए हैं ऊपर। शाइन बोर्ड से ही हमने सारा प्रसाद लिया था, हमने अलग से कहीं से भी शॉप से नहीं लेते हैं। एक तो प्राइस अच्छा मिल जाता है, प्लस शाइन बोर्ड से ही लेते हैं हम लोग हमेशा। 20 रुपीज़ का प्रसाद था, आप देख सकते हो वहाँ पर भैरव बाबा का, एंड यहाँ से हमने ले लिया था। यहाँ पर आगे पूरी मार्केट है, आप चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हो, इसी लाइन में पूरी मार्केट है। इसके बाद हम यहाँ से दर्शन करने जाएंगे, एंड दर्शन कर लिए थे हमने। वैसे भैरव बाबा में थोड़ी बहुत भीड़ थी, बट इतनी नहीं थी कि आपको लाइन लगानी पड़े, नंबर बहुत देर में आएगा, आधे आधे एक एक घंटे में, ऐसा भी नहीं था। बट दर्शन जो है बहुत ही आराम से हो जाते हैं आपको, एंड भैरव बाबा के यहाँ पर आके जो आपको दृश्य देखने को मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है, जिसकी हम अपने मुख से व्याख्या भी नहीं कर सकते, ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई लगता है। तो यहाँ पर से आप शॉपिंग भी कर सकते हो। फाइनली हमने प्रसाद ले लिया था और अब हम दर्शन के लिए निकल गए थे। तो वीडियो नहीं बना पाएंगे आगे की, क्योंकि हम आपको बाद में बताएंगे, तो बनी रहिएगा। तो फाइनली हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं। भीड़ आप देख सकते हो ज़्यादा इतनी है नहीं, मुश्किल से 100 समथिंग लोग होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। बारिश का मौसम था जब हम लोग नीचे सीढ़ी चढ़ रहे थे भैरव बाबा, जिस वक्त हम आधे रास्ते पे थे भैरव बाबा की चढ़ाई पर, उस वक्त नीचे बारिश हो रही थी और ऊपर आप देख सकते हो सारे में गीला हो रहा, ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी। तो वो जो बर्फ़ पड़ रही थी यहाँ ऊपर, जब वो बर्फ़ नीचे जा रही थी तो वो पानी की बूंद में कन्वर्ट हो गई थी, और हमारे पास बारिश हो रही थी और ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी। तो अगर हम आई थिंक 15 मिनट पहले पहुँच गए होते तो शायद हमें बर्फ़ देखने को मिल जाती, बट वैसे हमने देखी है बर्फ़। हम लोग लास्ट टाइम जब हम गए थे तो इतनी बर्फ़ थी यहाँ कि आप पैर भी नहीं रख पा रहे थे, इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी। मौसम इतना सुहाना हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, आप खुद ही देख सकते हो कितना सुहाना मौसम है। लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, एंड बहुत बहुत अच्छा लगता है। एंड एक बार ज़रूर आइएगा, मैं आपसे दोबारा बोल रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है माता वैष्णो देवी के पास, आप आइएगा ज़रूर। बताओ बताओ, भैरव बाबा पे पहुंच चुके हम लोग और यहाँ हद से ज्यादा लंगूर है। ओ भाई, बादल देख सकते हो यहाँ पे कितने ज्यादा काले हो गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले बर्फ पड़ी थी, अगर हम 15 मिनट पहले आते। मैं आपको यहाँ भी लंगूर दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा मोटे हैं, पास तो जा ही नहीं सकते हम, लड़ भी नहीं सकते, इतने बड़े हैं। सही बात है, बादल घने। अभी हम 15 मिनट लेट हो गए, नहीं तो यहाँ पे बर्फ पड़ी थी। हम जाने वाले यहाँ से, ऐसे बिल्कुल मैं बहुत बड़ा झूठ बोल रहा हूँ। तुम भी कहते ऐसे दिखा रही हो। चले अब यार, चढ़ना मुझे, हाथ देखना, हाथ देखना, दस्ताने पहन ले यार। मैं अब कौन पहने, मजा आ रहा है। अगर आपको और अच्छा व्यू चाहिए तो आप वहाँ पे इस पॉइंट पे जा सकते हो, मैं आपको दिखाती हूँ, जूम कर रही हूँ। हाँ सॉरी, वो वाला पॉइंट। तुम इंटरेस्टेड हो तो जबरदस्ती एक व्यू का भी खींच लेता हूँ। देखो, 1.5 किलोमीटर होगा। हाँ, बता रही, जो भी है 1.5 किलोमीटर समथिंग है। जूम क्यों करती हो, दूर का दिखा। तुम्हारा कैमरा अच्छा है, कैमरा निकाल नहीं सकते यहाँ तो। कैमरा तो निकाल ही नहीं सकते, अंदर ले जाएंगे, ट्राइपॉड वगैरह के लाया हूं। पहले भी लगा के बेकार में ले आया, जब यूज ही नहीं हो तो कोई फायदा नहीं हो।
यहाँ पर आप देख सकते हो मौसम कितना ज़्यादा सुहाना है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड थी ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड पूरे रास्ते। आप देख सकते हो अपने अपने स्टार्टिंग से व्लॉग देखे हैं जब हमने चढ़ाई करी थी, तो इतनी तेज़ धूप थी कि जो हमने कपड़े पहने हुए थे वो हमें बहुत ही ज़्यादा चुभ रहे थे, क्योंकि वो गर्म कपड़े थे। एंड नीचे भवन पर भी इतनी ठंड नहीं है जितनी कि भैरव बाबा पर। भैरव बाबा पर हमने जाके ग्लव्स निकाले हैं, टोपा निकाला है, स्कार्फ निकाला, वरना हमें पूरे रास्ते दो दिन एक दिन हमें कुछ पूरे दिन हमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी इन सब चीज़ों की, बट भैरव बाबा पे आके हमें ज़रूरत पड़ चुकी थी इन सब चीज़ों की। देखिए उंगलियों में आ गई मेरी, भैरव घाटी पहुँच चुके हैं। इतनी बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कि हमें वीडियो शूट भी नहीं कर पा रहे, क्या सोचा था कैसे क्या होगा, कैमरा भी ज़रा हुआ भैरव बाबा धोखा मिल गया तो बड़ा कट गया, और हम यहाँ पे पूरा बना भी सकते ठीक से वीडियो। हाथ में चल रहा है फिर आने के लिए, ये वीडियो यही खत्म करते हैं। जय हिंद जय भारत। तो यहाँ पर आपको जगह जगह ऐसे आग जली हुई भी मिल जाएगी ताकि आप अपने हाथ पैरों को सेक सकें, क्योंकि भैरव बाबा पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है इस वजह से। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और वैष्णो देवी में भी आप पूरे रास्ते जब हम माता की चढ़ाई करते हैं तो आप पूरे रास्ते आपको ऐसे जला हुआ मिल जाएगा यहाँ पर। बस ऐसे ये वीडियो भी हमने बहुत मुश्किल से बनाई थी। तो यहाँ पर हम लोग दस्ताने देख रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, हाथ सूजने लगे थे दोनों के इस वजह से। तो अब हम यहाँ से सीधा नीचे जाएंगे। जोकर वाली सीढ़ी आई है, वो हवा नीचे धराओ, पोज वाला देना। रुक जाओ बस, बहुत ज्यादा ठंड है। अगर आप भैरव बाबा पे आ रहे हैं, माता रानी के पास इतनी ठंड है, इतनी भैरव बाबा के पास ठंड है, भैरव बाबा बहुत ज्यादा ठंड है। हमें पूरे रास्ते ग्लव्स नहीं पहने, अब हमें ग्लव्स पहनने की जरूरत पड़ गई। तो अगर आप आ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन, जाहिर सी बात है माता रानी के दर्शन पूरे जब तक नहीं होते जब तक आप भैरव बाबा, मेरे हाथ सूजने लगेंगे थोड़ी देर में, लाल तो पड़ेंगे। ग्लव्स एंड टोपा स्कार्फ वगैरह जरूर लेके आना है भैरव बाबा के लिए, और जितना हो सके कम लगेज आप ऊपर लेके जाए तो ज्यादा बेस्ट है। सिर्फ दस्ताने एंड टोपा वगैरह यही सब लेके जाए, ज्यादा ऊपर कुछ ना लेके जाए, क्योंकि चढ़ाई हमारी तरह पागलपंती ना करें। खैर, और एक बार और कैमरा वगैरह ऊपर ना लेके जाए, क्योंकि ऊपर बहुत मोटे मोटे लंगूर है, जैसा कि आप बना ही नहीं पाएंगे, कि आप बना ही नहीं पाओगे और हम खुद नहीं बना पाए, आप जैसे कि देख ही सकते हो वीडियो को ज्यादा बना ही नहीं पाए। चलो अब हम नीचे जा रहे हैं यहाँ से। जय हिंद, सॉरी, जय माता दी, और यहाँ से वीडियो यहाँ पर बच्चे रो रहे हैं घोड़े में बैठ रहे हैं, तो क्या क्या हुआ, मैं नहीं बैठ रही, डर गया होगा। गिर मत जाइयो,
सो गाइस फाइनली हम लोग नीचे पहुंच चुके हैं और आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और भी अभी ऐसे 2-3 ब्लॉग और हैं, देखते रहिएगा अगर आपको अच्छा लग रहे हैं तो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो यहाँ पर हम लोग नीचे उतर गए थे और मुश्किल से हमें आधा घंटा भी नहीं लगा था नीचे उतरने में, हम बहुत ही जल्दी उतर गए थे। बस चढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है, बाकी तो आप लोग जल्दी जल्दी से नीचे उतर जाते हैं। तो जो नेक्स्ट ब्लॉग होने वाला है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि उसमें हमने डांस वगैरह भी किया था यहाँ पे जो बजते हैं ढोल नगाड़े उसके ऊपर। तो हम नीचे आ गए हैं, आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही अगली वीडियो के अंदर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।